हेलो गाइज, टू ऑल ऑफ यू वेरी वन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि मैं डेली मॉर्निंग शो में आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आता हूं, और इसमें आप लोगों के लिए आज मैं एक मोटिवेशन क्वेट लेकर आया हूं। गाइज, क्या आप लोगों को मोटिवेशन क्वेट लेकर आया हूं? क्वेट है कि विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। तो गाइज, जो विश्वास होता है वो आप लोगों का कितना भी जो दयनीय स्थिति होगा तो आप लोग विश्वास रखेंगे अपने लाइफ में, तो एक दिन ना एक दिन क्या अंधकार से प्रकाश की ओर जरूर विश्वास लेकर जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग क्या करें, अपने लाइफ में विश्वास जरूर रखें। किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो उस पर विश्वास रखें, धैर्य रखें, जो कि विश्वास ही एक ऐसा मंत्र है, और कि मंत्र है कि जो कि आपको क्या करता है, एनर्जी लाता है आपके शरीर में, बॉडी में। तो विश्वास आप लोग क्या विश्वास रखें, कोई भी कार्य को करने के लिए धैर्य उस पर रखें। तो गाइज, आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है, यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आज कितना है, तो 21 फरवरी है। जो 21 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बनेंगे गाइस, इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चंस लेकर आता हूं, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को डिजाइन करके लेकर आता हूं। तो यहां पे आप लोगों को मैं फर्स्ट क्वेश्चंस बता रहा हूं। यहां फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हाल ही में किस तिथि को अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो जो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है उसका स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 20 फरवरी का मनाया जाता है इसका स्थापना दिवस। किसका? अरुणाचल प्रदेश का मनाया जाता है, 20 फरवरी का मनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे हम क्या करेंगे, जानेंगे। जो अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है वो कहाँ पर, ईटानगर है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो पेमा खांडू हैं। और जो यहाँ के गवर्नर है वो कौन है, तो बीडी मिश्रा जी हैं। यहाँ की गवर्नर कहाँ की, तो अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पे आप लोगों को इंपोर्टेंट कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया है, 34वां जो स्थापना दिवस मनाया है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अरुणाचल प्रदेश है वो कौन सा मतलब दिवस मनाया है अभी 2020 में, तो कौन सा दिवस मनाया है, तो 34वां दिवस मनाया है। अरुणाचल प्रदेश जो 20 फरवरी 1987 को कहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था गाइस, तो आप लोगों को बताना है कब मिला था, तो 20 फरवरी 1987 को मिला था, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण दर्जा मिला था। और यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका एजेंसी, यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ गाइस इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो 1972 तक इसको कहा नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट फ्लेटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से भी इनको जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को हिंदी में क्या कहते हैं, उगते हुए सूर्य का पर्वत कहते हैं। जो कि अरुणाचल प्रदेश का जब हम उसको विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद जिसको हिंदी में बोलते हैं, अरुण प्लस अचल होगा। अचल का मतलब होता है क्या, पर्वत होता है। अचल का मतलब क्या होता है, चलने वाला नहीं, यानी कि पर्वत। अचल का मतलब क्या होता है, पर्वत होता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य में क्या रन फॉर इंडिया टी का क्या किया गया है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो त्रिपुरा में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब त्रिपुरा में किया गया है, तो त्रिपुरा का जो कैपिटल है वो कहाँ पर है, अगरतला में है। और जो यहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है। और जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो विप्लव कुमार क्या है, देव है। कौन है, तो विप्लव कुमार देव है, क्या मुख्यमंत्री है, यानी कि जो त्रिपुरा है उसका मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन है, तो विप्लव कुमार देव है। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पे कुछ डिटेल में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखने की जो भारतीय चाय बोर्ड ने क्या किया है, त्रिपुरा चाय विकास निगम त्रिपुरा टी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन TTDC के सहयोग से क्या किया है, रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया है। यह आयोजन त्रिपुरा चाय के साथ साथ देश भर की क्या किया है, चाय को लोकप्रिय बनाने एवं राज्य को क्या किया है, उद्योग बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। क्या किया गया है, जो कि आप लोगों के भर राज्य में चाय को उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को क्या किया गया है, मतलब कि इस आयोजन को बनाया गया है, लाया गया है, रन फॉर इंडिया टी ये आयोजन है गाइज। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री भगवान, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री राम से जुड़े, भगवान श्री राम से जुड़े जो पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस क्या किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो किस नाम से विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन को शुरुआत की गई है। ये जो है कि जो जितने भी क्या यहाँ पे स्थलें हैं, जो मतलब कि पर्यटन स्थलें हैं, वहाँ पर एक क्या करेगी, आप लोगों को यात्रा कराएगी। कौन ट्रेन, तो श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। यहाँ पे कुछ हम डिटेल में बात कर लेते हैं, जो इसका जो थीम है, ये विशेष ट्रेन चलाई जा रही है किसके लिए, श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। ये कब से स्टार्ट हो जाएगा, 28 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। और जो भगवान राम से जुड़ी हुई जितनी भी स्थलों को क्या करेगी, सैर कराएगी। जितने भी रामायण से जुड़ी हुई स्थलें हैं उसको क्या करेगी, सैर कराएगी, यात्रा कराएगी। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो ट्रेन 16 रात तो क्या किया है, ये जो ट्रेन है 16 रातों 17 दिन तक क्या करेगी, यात्रा कराएगी। इस दौरान यात्रियों को भगवान राम से जुड़ी हुई सभी जो पर्यटन स्थलों का दौरा
कराया जाएगा। और इन्हें भारत का रामायण क्या किया गया है, सटीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्किट भी कहा जाता है, जो भारत का रामायण सर्किट भी इसको कहा जाता है। तो यही आप लोगों को श्री रामायण एक्सप्रेस को मतलब कि क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये जो है श्री रामायण एक्सप्रेस है, इस गाड़ी से, इस ट्रेन से आप लोगों की जितने भी रामायण की जो पर्यटन स्थल है उसको सैर कराएगी ये ट्रेन। तो गाइज इतना यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मोहन करते हैं। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि हाल ही में किस संस्थान का नया क्या किया गया है, जो हाल ही में किस संस्थान का जो नाम है क्या स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम से रखा गया है। तो किस संस्थान का जो नाम है स्वर्गीय क्या मनोहर पर्रिकर के नाम से रखा गया है, तो किसका नाम रखा गया है, तो रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है, स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम मतलब कि क्या किया गया है, रखा गया है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था का नाम। अब यहाँ पे बात हुई है गाइस यहाँ पे कि मनोहर जो पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस है, इसका फाउंडेड कब हुआ था, यानी स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना इसका कब हुआ था, 11 नवंबर 1965 में हुआ था। और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बता दूं कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो पूर्व रक्षा मंत्री कौन, दिवंगत जो मनोहर पर्रिकर की क्या प्रतिबद्धता एवं विरासत की समान क्या किया है, समान में ये रक्षा क्या किया है, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान को क्या किया गया है, नाम को बदलकर मनोहर क्या किया गया है, मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था कर दिया गया है। ये जो पर्रिकर थे 9 मार्च 2014 से लेकर के 14 मार्च 2017 तक क्या थे, देश के रक्षा मंत्री थे। कौन, जो पर्रिकर थे, मनोहर पर्रिकर थे, उन मतलब कि 9 मार्च 2014 से लेकर क्या 14 मार्च 2017 तक ये क्या थे, भारत के मतलब हमारे जो देश हैं इनके रक्षा मंत्री थे। कौन, मनोहर पर्रिकर जी थे पहले। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनती है गाइस। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मोहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से किससे हाल ही में क्या किया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त क्या किया गया है, तो मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। आप इमेज में देख रहे हैं किसको, बिमल जुल्का को किया गया है। अब जब बिमल जुल्का को किया गया है, CIC का नियुक्त किया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त का नियुक्त किया गया है बिमल जुल्का को, तो बिमल जुल्का जो थे इनके बारे में हम जानेंगे। जो जुल्का मध्य प्रदेश जो केडर के क्या थे, 1979 बैच के क्या थे, सेवानिवृत्त जो IAS अधिकारी थे, कहाँ के, तो मध्य प्रदेश केडर के थे, IAS ऑफिसर थे। तो गाइज इनके बारे में हम जान लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की महान मराठा शासक जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है, तो किस दिन मनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि 19 फरवरी को मनाई जाती है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्मदिन। अब जो इनका मतलब की बात हुई, यानी कि जयंती उनका मनाया जाता है। अब बात हुई है यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हुई, उनका जन्म कब हुआ था, तो जो उनका जन्म हुआ था कब, 19 फरवरी 1630 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, वो कहाँ, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अब शिवनेरी दुर्ग कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र राज्य के क्या पुणे के गुनर गांव के पास स्थित है, और यह एक ऐतिहासिक किला माना जाता है। किसको, तो शिवनेरी दुर्ग को माना जाता है, जो ऐतिहासिक किला यहाँ के हैं जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। उनका पिता का क्या नाम था, तो शाहजहां था, और उनका जो माता का नाम था वो जीजाबाई था। यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। आप इमेज में देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को, आप देख रहे हैं इस इमेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि भारत में किस तारीख से जो भारत यूरो 6 नामक डीजल एवं पेट्रोल का क्या किया जाएगा, प्रयोग आरंभ किया जाएगा। और बात हुई गई यहाँ पर भारत यूरो 6 नामक जो डीजल एवं पेट्रोल का प्रयोग किया जाएगा, मतलब कब से आरंभ किया जाएगा, तो यह आरंभ किया जाएगा कब से, 1 अप्रैल से इसको आरंभ कर दिया जाएगा, भारत यूरो 6 नामक डीजल एवं पेट्रोल को आरंभ कर दिया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है यूरो 4 नामक डीजल एवं पेट्रोल का इस्तेमाल अभी प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे भारत के सिर्फ 3 साल में यह उपलब्धि को क्या किया गया है, तो हासिल किया गया है। यह जो भारत यूरो 6 नामक डीजल एवं पेट्रोल कब से उपयोग किए जाएंगे, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा भारत यूरो 6 नामक डीजल एवं पेट्रोल। यहां से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्ल्ड लैंग्वेज जो डाटाबेस की क्या किया गया है 22वां संस्करण जो एथनोलॉजी के अनुसार कौन सा भाषा विश्व की क्या तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो वो कौन है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, तो हिंदी है। अब हिंदी है किसना मतलब कि तीसरे स्थान पर, तो फर्स्ट स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एथनोलॉजी के मुताबिक यहाँ विश्व भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में पहला स्थान अंग्रेजी का है, जो कि विश्व भर में सबसे मतलब कि अधिक बोली जाती है भाषा कौन सी, एथनोलॉजी के अनुसार इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोली जाती है। जो पूरी दुनिया में कितना बोली जाती है, कितना लोग बोलते हैं इस भाषा को, तो 113.2 करोड़ लोग इस भाषा को इस्तेमाल करते हैं। और जो यहाँ दूसरे स्थान पर देख रहे हैं चीन है, कौन है, तो चीन दूसरे स्थान पर है, जो कि बोली जाती है मेड्रल भाषा, जिसे कितने लोग बोलते हैं, तो 111.7 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं।
यहाँ से इतने क्वेश्चंस। और यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूँ कि जो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि जो एथनोलॉजी के मुताबिक विश्व भर में 61.5 करोड़ लोग क्या हिंदी भाषा को इस्तेमाल करते हैं, और चौथे नंबर पे कौन है तो स्पेन है, और पाँचवें नंबर पर 28 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं, फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, कितने 28 करोड़ लोग। यहाँ हालांकि यहाँ दुनिया में जो विश्व सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की बात करें तो कौन सा है तो 6 भारतीय भाषाएँ हैं जिसको बोलते हैं हिंदी। बंगाली भाषा जो है वो कौन सा स्थान पर आता है तो जो बंगाली भाषा है वो कौन से, मतलब कि यहाँ आप देख रहे हैं जो बंगाली भाषा के बाद जो आता है उस लिस्ट में कितने तो 26.5 करोड़ लोग किसको बोलते हैं बंगाली भाषा को, जो कि 17वें स्थान पे आता है। और 11वें स्थान पे उर्दू का स्थान है, 15वें स्थान पर मराठी है, और जो 16वें नंबर पर है वो तेलुगु है, और 19वें स्थान पर कौन है तो तमिल भाषा बोले जाते हैं 19वें स्थान पर, यानी कि इतने जो भाषाएं हैं बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य में जो छिपकली की एक नई प्रजाति क्या किया गया है, अर्बन वेंट टोएड गेको का क्या किया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो अर्बन वेंट टोएड गोएको की खोज की गई है तो कौन सी प्रजाति है तो असम में किया गया है। किसका, अर्बन वेंट टोएड गेको को खोज किया गया है कहाँ पर तो असम में किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है तो यहाँ पे आप लोग वैज्ञानिक जो नाम है यहाँ पे हम जानेंगे, जो इस छिपकली का जो वैज्ञानिक नाम है सीरोकेडिलाइस जो अर्बन नुस है, क्या है सीरोकेडिलाइस अर्बन नुस है इसका वैज्ञानिक नाम। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वेंट टोएड गेको के पहले किस नाम से बोला मतलब की बोली जाती थी इनको तो खासी हिल्स छिपकली के नाम से भी इनको पहले जाना जाता था। यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर क्या किया गया है गोंड रानी यहाँ पे कमलापति की जो 32 फुट ऊंची प्रतिमा आवरण को क्या किया गया है, यहाँ पर आवरण किया गया है तो ये कहाँ पर किया गया है तो भोपाल में किया गया है। गोंड रानी कमलापति की जो 32 फुट ऊंचाई प्रतिमा की क्या किया गया है यहाँ पर आवरण किया गया है, वो कहाँ पर किया गया है तो भोपाल में किया गया है। कहाँ पर तो भोपाल में इसको आवरण किया गया है। किसका, तो कमलापति रानी का यहाँ पर 32 फुट जो की ऊंचाई उनकी है इसका जो आवरण किया गया है भोपाल में। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मोहन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, आप देख रहे हैं कि जो ट्रॉपिक ने क्या किया है फसल चक्रों के समय कम करने के उद्देश्य से क्या किया है, भारत की किस पहली जो सार्वजनिक अनुसंधान सुविधा को लॉन्च किया है तो कौन सी सुविधा को लॉन्च किया है तो रैपिड जेन को लॉन्च किया है। किसके, तो पहली सार्वजनिक अनुसंधान सुविधा को मतलब कि क्या किया है यहाँ पे लॉन्च किया गया है। किसको, तो रैपिड जेन को किया गया है। अब यहाँ पे बात हुई है किसको गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इसको डिटेल में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हुई है किसका, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी कॉर्ड ट्रॉफिक की बात हुई है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो जो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में है। इसका जो स्थापना हुआ था 1972 को हुआ था। ये किसके संबंध में, किसके संघ में हुआ था तो फोर्ड एवं रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा इसका क्या किया गया था, इसके संघ में इसका स्थापना किया गया था। किसका, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी कॉर्ड ट्रॉफिक का स्थापना किया था। यहाँ से इतने क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, आज का जो क्वेश्चंस ऑफ डे है गाइज, यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है गाइज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है, और अपना फीडबैक जो भी है गाइज आप लोग अपना लिखा करें कि मैं कैसा आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी है आप लोग लाइक डिसलाइक करते रहें तो गाइज इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है मुझे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है कि कौन सा देश विश्व की पांचवी क्या हुआ है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं आप लोगों को। तो इसका जो ऑप्शन है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या करना, इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके। और आप लोग से एक और बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके कर सकते हैं। और गाइज ये जो आपको आई होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो क्या करना, ये अधिक से अधिक इस सेशन को शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना गाइज जब आपको ये वीडियो अच्छा लगी हो तो। और आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन जाकर के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर के कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। और गाइज इस क्वेश्चंस को क्या करना, आप लोग जरूर इसका आंसर देना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो यहीं पे इस सेशन को एंड करता हूं। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।